वेलकम टू द बिहारी गुरुजी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चपरासी का नया सिलेक्शन प्रोसेस जो कि डिसाइड किया गया है सरकार द्वारा हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। सबसे पहले देखिए आप लोग कि चपरासी का जो नाम है वो अलग अलग चार नामों से ये जाना जाता था। ग्रुप डी के नाम से भी इसको जाना जाता है, हिंदी में समूह घ बोलते हैं। उसके बाद आदेश पाल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऑर्डरली प्यून। उसके बाद चपरासी के नाम से भी जाना जाता है और प्यून अनुसेवक। ये चार अलग अलग नाम से जाना जाता है समूह घ के कर्मचारी को, ठीक है। नया नाम जो है अब इसका सामान्य प्रशासन विभाग का ये अधिसूचना है, 2 जुलाई 2019 का है ये, ठीक है। इसमें क्या किया है कि इन जितना भी नाम था ये चार तरह का, इस सब का एक नाम कर दिया है, ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है। इस अधिसूचना को आप लोग देखिए, बिहार समूह घ भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2010 जो बना था 2010 में, भर्ती और सेवा शर्त चपरासी के लिए उसके बहाली के लिए समय समय पर यथा संशोधित में प्रयुक्त समूह घ अनुसेवक आदेश पाल चपरासी शब्द का प्रतिस्थापन, यानी कि उसका रिप्लेसमेंट, उस सब जो नाम था उसको बदल करके अब कर दिया गया है, उसके बदले में शब्द का प्रयोग किया गया है, वह शब्द कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट, ठीक है, द्वारा प्रतिस्थापित समझा जाएगा। तो ये तो 2019 में 2 जुलाई 2019 के इस ऑर्डर के हिसाब से नया नाम जो है चपरासी का वो ऑफिस अटेंडेंट हो गया, या अटेंडेंट स्पेशल जो स्पेशल टास्क के लिए होते हैं, इसी में चपरासी में से ही उसका होगा नाम अटेंडेंट स्पेशल, ठीक है। तो कार्यालय परिचारी इसका नया नाम हो गया। अब पुराना जो प्रोसेस था सिलेक्शन प्रोसेस इसका, पहले वो देख लीजिए, फिर आपको ज़्यादा आसान होगा समझने में हाईकोर्ट का ऑर्डर कि क्यों जो है हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, लोग क्यों हाईकोर्ट गए। पुराना जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें ये था कि पहला तो आठवां पास जो है इसमें मांगा जाता था, पता होगा आप लोगों को, पहले चपरासी के बहाली के लिए 8th स्टैंडर्ड जरूरी था। उसके बाद क्या होता था कि अपॉइंटमेंट ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पे जो दिया जाता है आपका, उस हिसाब से अपॉइंटमेंट किया जाता था डिस्ट्रिक्ट या विभाग लेवल पर, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल या विभाग लेवल पर जो है एक कमेटी का गठन होता था और उसमें से देखा जाता था कि 240 डेज का जनरली जो है वो माना जाता था एक्सपीरियंस के रूप में, यदि 240 दिन काम किया है कोई, तो फिर जो है प्रेफरेंस दिया जाता था उसी हिसाब से एक्सपीरियंस के बेसिस पे। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा जो है किया जाता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल में यदि है जो, तो डीएम लेवल पर होता था ये चीज़, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही ख़त्म हो जाता था, वहीं से बहाली हो जाता था। और कोई विभाग का है यदि चपरासी, तो विभाग लेवल पर वो डिसाइड हो जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि हाईकोर्ट का डिसीजन आया 18 दिसंबर 2019 को, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है, ऊपर वाला पॉइंट जो है अंडरलाइन किए हुए हैं। इसमें हाईकोर्ट का कहना ये था कि इट मे बी ओपन फॉर दी रिस्पोंडेंट टू अलाउ सम रीजनेबल वेटेज, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से कहना ये चाहा गया है कि वेटेज जो है आप दीजिए एक्सपीरियंस के आधार पर, लेकिन इट कैनॉट इट्सेल्फ बी द सोल या मेन क्रिटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। आप वेटेज दे सकते हैं लेकिन ये जो है एकमात्र क्रिटेरिया ये नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आप जो है इसको बहाल कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होता नहीं था, उसी के आधार पर बहाल ही हो जाता था। नीचे वाला पॉइंट में नीचे वाला पैरा जो है उसमें हाईकोर्ट का कहना है कि इन माय ओपिनियन होल्डिंग ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट द सेड एडवर्टाइजमेंट वुड बी अ फेयर प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, ठीक है। हाईकोर्ट के हिसाब से, हाईकोर्ट के ओपिनियन में जो है एक रिटन एग्जामिनेशन जो है लिया जाए वो एक फेयर सिलेक्शन प्रोसेस जो है माना जाएगा, ये हाईकोर्ट का कहना था और एक ऑर्डर पारित किया गया 18 दिसंबर 2019 को। अब जो है उसी के रिस्पेक्ट में सरकार जो है ऑर्डर जारी की है, ये 23/6/2020 का है, लेटेस्ट है ये, उसी के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। जिसमें विषय में आप देखिए
कार्यालय राज्य में कार्यालय परिचारी विशिष्ट की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय पटना हाईकोर्ट न्यायालय द्वारा इतना 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 के दिनांक 18 दिसंबर 2019 को पारित न्यायादेशों के अनुपालन के संबंध में, ठीक है, उस ऑर्डर के अनुपालन के संबंध में ये नोटिस आया है, जिसमें जो है डिसाइड किया है सरकार और जो हाईकोर्ट का जो सजेशन था, ठीक है, जो ऑर्डर दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, उन सब चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है कि सबसे पहला चीज़ जो कार्यानुभव का जो वर्क एक्सपीरियंस का जो बात था, वर्क एक्सपीरियंस आधारित प्राथमिकता संबंधी मापदंड को निरस्त कर दिए जाने के कारण उक्त मानदंडों के अनुरूप विभिन्न जिलों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से, मतलब ये पुराना विज्ञापन का बात कर रहा है, एक बहुत पहले जो है आपको जो है 7-8 साल पहले आया हुआ था, इस तरह से जिला वाला में सब में निकला हुआ था, ठीक है, उसी को ये लोग चैलेंज किए थे, उसी वैकेंसी को, तो उसी के रिस्पेक्ट में ये बात कर रहा है। तो सबसे पहला चीज़ जो एक्सपीरियंस वाला जो था चीज़, वो चीज़ ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा चीज़ कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को जो है परीक्षा आयोजित करने के लिए दिया गया है और ये डिसाइड किया गया है कि 100 नंबर का जो है एकमात्र एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसके बेस पर एक मेरिट बनेगा, ठीक है, और 10th जो है इसका वो रहेगा, आपका क्वालिफिकेशन रहेगा 10वां पास, ठीक है, और पूछा इसमें आपको जो जाएगा वो सामान्य ज्ञान, सामान्य अंक, सामान्य अंक गणित और सामान्य हिंदी, इन तीनों विषय से जो है 100 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, 100 मार्क्स का होगा, उसमें आपको सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा और सामान्य अंक गणित, ये तीन चीज़ों जो है तीनों का मिक्सअप रहेगा, मिक्स रहेगा क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट से, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास हो गया। सैलरी का बात कर लें तो जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं ग्रुप डी का, आप लोग देखते होंगे ग्रुप डी का हो या एमटीएस का हो, एसएससी का, सेंट्रल एसएससी का, तो लेवल 1 जो होता है सैलरी का जो लेवल है या ग्रेड पे है, वो सबसे नीचे वाला जो लेवल होता है वो होता है चपरासी का, ठीक है, जो कि है 1800 ग्रेड पे और लेवल 1 में आता है 7वां वेतन आयोग के हिसाब से, इसका बेसिक पे जो है वो 18000 है। और सैलरी का बात करें यदि, तो सैलरी हम जून के हिसाब से, अभी हम जून में हैं, यदि जून के हिसाब से देखा जाए तो ग्रॉस पे जो है आपका सारा कुछ इंक्लूड करके, जितना भी भत्ता है वो सब मिला करके 28 से 29 हज़ार के अप्रॉक्स जो है अभी ये बनेगा सैलरी इसका, अभी के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको, अभी यदि कोई ज्वाइन करता है तो। उसके बाद डिडक्शन जो है इसमें जो भी कटौती आपका होगा वो लगभग 4500 के अप्रॉक्स हो जाएगा, जिसके बाद ये कटौती के बाद जो है ग्रॉस में से कटौती होने के बाद आपका इन हैंड सैलरी बनता है, तो वो हो जाएगा आपका 23 से 24 हज़ार लगभग जो है, ये इन हैंड सैलरी बनेगा एक जो है ऑफिस अटेंडेंट का या चपरासी कह लीजिए पुराना नाम, अभी के हिसाब से हम जून 2020 में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से, इस ऑर्डर से आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि पहले क्या प्रोसीजर अपनाया जाता था बहाली के लिए, अब इस ऑर्डर के बाद क्या हाईकोर्ट ऑर्डर दिया है उस पर जो है क्या डिसीजन लिया, फिर सरकार जो है सरकार नोटिस जारी किया है और अब इसी ढंग से बहाली होगा, ठीक है, जिसका वैकेंसी जो है राज्य लेवल पर निकाला जाएगा BSSC के थ्रू और 100 मार्क्स का एकमात्र एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, क्वालिफिकेशन जो है वो 10th रखा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का और भी वीडियो आपको समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू।